जजमेंट रेटिंग मेथड में आप हर एक्सपोजर यूनिट के लिए अलग से प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, वेयर एज इन क्लास रेटिंग मेथड आप एक्सपोजर यूनिट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर ग्रुप के लिए आप अलग से प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। और ये प्रीमियम आप कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। द फर्स्ट वन इज़ द प्योर प्रीमियम मेथड एंड अनदर वन इज़ द लॉस रेशियो मेथड। प्योर प्रीमियम मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं प्योर प्रीमियम। एंड प्योर प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप एक्चुअल लॉस एसर्टन करते हैं कि आपको कितना हो सकता है, उस एक्चुअल लॉस में उस क्लेम में आप ऐड करते हैं उस क्लेम को सेटल करने के एक्सपेंसेस और उसको डिवाइड करते हैं विद द नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स। इससे आपकी प्योर प्रीमियम की परसेंटेज निकल के आती है, जिसमें कि आप लोड चार्ज ऐड करते हैं। व्हाट इज लोड चार्ज? लोड चार्ज इज मेड अप ऑफ सम सेल एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट मार्जिन फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। तो इस प्योर प्रीमियम की परसेंटेज में आप लोड चार्ज ऐड करके आपका ग्रॉस प्रीमियम कैलकुलेट होता है, और ये प्रीमियम आप इस ग्रुप से चार्ज करेंगे। नाउ अनदर मेथड इन क्लास रेटिंग मेथड इज लॉस रेशियो मेथड। लॉस रेशियो मेथड के आपके तीन स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आप एक्चुअल लॉस रेशियो कंप्यूट करते हैं। एक्चुअल लॉस रेशियो के लिए आप जो इंश्योरेंस कंपनी को एक्चुअल लॉसेस हुए उसमें आप ऐड करेंगे लॉस एडजस्टेड एक्सपेंसेस, जस्ट लाइक वी हैव कैलकुलेटेड इन प्योर प्रीमियम। एक्चुअल लॉसेस में आप लॉस एडजस्टेड एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। इस केस में आप इसे डिवाइड करते हैं विद द प्रीमियम अर्नड। इंश्योरेंस कंपनी ने जो इस ग्रुप से प्रीमियम अर्न किया है, इस ग्रुप से जो टोटल प्रीमियम अर्न किया है, इससे डिवाइड करके आपको एक्चुअल लॉस रेशियो मिलेगी। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो, विच इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज 100% माइनस लोड परसेंटेज। यहाँ पे भी आप लॉस परसेंटेज को एज्यूम कर लीजिए कि 10% है। सो 100% में से आप लोड परसेंटेज माइनस करेंगे अगर, तो आपके पास एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो आ जाएगी। After that, you will calculate rate change, और rate change के लिए आप A माइनस E अपॉन E करेंगे। अगर ये नेगेटिव में आता है तो आप नेगेटिव एडजस्टमेंट कर देंगे, और अगर ये पॉजिटिव में आता है तो आप पॉजिटिव एडजस्टमेंट कर देंगे। मीनिंग देयर बाय कि अगर आपका प्रीमियम कैलकुलेट होकर आया था 21% और लॉस रेशियो मेथड के अकॉर्डिंगली जो रेट चेंज आपका नेगेटिव में आता है, तो आप 21% में से 0.39% माइनस कर देंगे और इतना कम प्रीमियम आप चार्ज करेंगे फ्रॉम दिस एक्सपोजर यूनिट। और अगर ये एडजस्टमेंट पॉजिटिव में आती है, दैट मींस कि उस एक्सपोजर यूनिट को एक्स्ट्रा रिस्क है, और एक्स्ट्रा रिस्क के लिए आप इस 21% में ये 0.39% ऐड कर देंगे इन केस दिस कम्स इन पॉजिटिव साइड। फाइन। एंड द लास्ट मेथड इज़ द मेरिट रेटिंग मेथड। मेरिट रेटिंग मेथड आपका क्लास रेटिंग मेथड जैसा ही है। कैलकुलेशंस आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन इस परसेंटेज में आप प्लस माइनस कर देंगे अगर किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट आएगी। दैट मींस कि अगर आपको लगता है कि किसी एक्सपोजर यूनिट को एडिशनल रिस्क है, तो आप इस 21% को पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज कर देंगे, और अगर आपको लगता है कि किसी एक्सपोजर यूनिट को रिस्क कम है, तो आप इस 21% को डाउनवर्ड साइड पे एडजस्ट कर देंगे, दैट इज माइनस करके आप उससे प्रीमियम चार्ज करेंगे। सो दिस इज ऑल इन प्रीमियम कैलकुलेशन मेथड। सो जजमेंट रेटिंग में आप क्या करेंगे, आप हर एक्सपोजर यूनिट के लिए अलग प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर जजमेंट। अगर आपको लगता है कि किसी एक्सपोजर यूनिट को ज़्यादा रिस्क है, तो ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी एक्सपोजर यूनिट को कम रिस्क है, तो आप उससे कम प्रीमियम चार्ज करेंगे। क्लास रेटिंग के आपके टू मेथड्स हैं, द प्योर प्रीमियम मेथड एंड द लॉस रेशियो मेथड। प्योर प्रीमियम मेथड के लिए आप सबसे पहले प्योर प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज एक्चुअल क्लेम प्लस लॉस एडजस्टेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स। प्योर प्रीमियम में आप ऐड करेंगे लोड चार्ज, तो आपका ग्रॉस प्रीमियम निकल के आएगा। द नेक्स्ट वन इज द लॉस रेशियो मेथड। लॉस रेशियो मेथड के लिए आप सबसे पहले एक्चुअल लॉस रेशियो कंप्यूट करेंगे, देन एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो कंप्यूट करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला
यू विल कैलकुलेट रेट चेंज. अगर ये रेट चेंज पॉजिटिव में आता है तो आप इस प्रीमियम को अपवर्ड डायरेक्शन में एडजस्ट करेंगे, और अगर आपका ये रेट चेंज नेगेटिव में आता है तो आप इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एडजस्ट करेंगे. सिमिलरली इन मेरिट रेटिंग मेथड, अगर आपको लगता है कि किसी एक्सपोजर यूनिट को हायर रिस्क है तो आप इस 21% प्रीमियम को अपसाइड पे एडजस्ट करेंगे, और अगर आपको लगता है कि किसी एक्सपोजर यूनिट को रिस्क कम है तो आप इस प्रीमियम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एडजस्ट करेंगे. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस.